दोस्तों, पिछले साल कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 1 ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था और अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और ये पार्ट भी एक अलग ही धमाल मचाता हुआ नजर आएगा। हाल ही में KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे देखकर दर्शक अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तेलुगु और मलयालम में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म KGF की सफलता ने साबित कर दिया था कि दर्शक क्रॉसओवर कंटेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और अब KGF के ट्रेलर के रिलीज के बाद उनकी उम्मीदें दुगनी हो गई हैं। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 बड़े पैमाने पर बनने वाली है। इस फिल्म में शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके सेकेंड चैप्टर में सुपरस्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी के साथ फिल्म में संजय दत्त भी लीड रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी और इसके पूरे 2 साल के बाद फिल्म के सीक्वल का ट्रेलर जारी हुआ है। इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा के खौफनाक विलेन के रूप में नजर आएंगे। संजय दत्त 60 साल के हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो फिल्मों में बहुत एक्टिव नजर आते हैं और जितना एक्टिव संजय दत्त अपनी एक्टिंग में नजर आते हैं उससे उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। KGF चैप्टर 2 में यश और संजय के बीच डेडली फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये फेस ऑफ सलमान खान और सोनू सूद से भी ज्यादा खतरनाक होगा। सलमान और सोनू ने फिल्म दबंग में शर्टलेस एक्शन सीन्स दिए थे। संजय दत्त उम्र के इस पड़ाव पर काफी एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं। यही कारण है कि वो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संजय दत्त और यश के बीच जो फाइट सीन्स होने वाले हैं वो कॉम्बैट फाइट सीक्वेंस में फिल्माए जाएंगे। सोर्सेज के अनुसार यश और संजय दत्त दोनों ही शर्टलेस सीन्स के लिए तैयार है और इनके लिए वो अपनी फिटनेस शेड्यूल पर भी बहुत जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं। संजय दत्त के साथ साथ इस फिल्म में रवीना टंडन भी काम करती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें संजय दत्त की और भी आने वाली अपकमिंग फिल्म्स की तो संजय दत्त अजय देवगन के साथ फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में काम करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में अजय और संजय दत्त के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा जैसे स्टार्स भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा संजय दत्त टोरबाज, शमशेरा और सड़क 2 जैसी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। शमशेरा में वो रणबीर कपूर और वाणी कपूर के साथ काम करते हुए नजर आएंगे और टोरबाज में नरगिस फाखरी के साथ काम करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा संजय दत्त सड़क 2 में आलिया भट्ट के साथ दिखेंगे। इस फिल्म के जरिए वो काफी सालों बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर भी अहम भूमिका में होंगे। KGF के चैप्टर 1 ने जो धमाल मचाया था, KGF चैप्टर 2 फिल्म उससे कई ज्यादा भव्य तरीके से बनाई गई है। KGF के पार्ट 1 ने जो ताबड़तोड़ कमाई की थी, उम्मीदें हैं कि KGF चैप्टर 2 बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस फिल्म को भव्य तरीके से बनाया गया है। उम्मीदें हैं कि जैसे बाहुबली के दोनों पार्ट्स ने अपना एक आइकॉनिक मार्क बनाया था, वैसे ही KGF भी अपना एक अलग स्थान बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बनाएगी और एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट करेगी जिसको तोड़ पाना कई फिल्मों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, संजय दत्त को इस आइकॉनिक फिल्म में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसे ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।